हमने बहुत ज्यादा मीट की डिशेस बना ली है, तो ये वीक जाएगा हमारा वेजिटेबल्स वाली चीजों का। और बहुत आसान आसान सी कम वक्त में बनने वाली रेसिपीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत जल्दी जल्दी क्विकली बनेंगी। तो चले आज बनाते हैं हम प्याज टमाटर की चटनी, और वो बहुत मजे की बनने वाली है, बहुत ईजी और क्विक रेसिपी है। तो चले बनाते हैं। टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने ले लिए है 5 टमाटर, ये रेड रेड तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। 2 मैंने ले ली है मीडियम साइज की प्याज, इसको मैं कर लेती हूँ बारीक बारीक कट, टमाटर को भी और प्याज को भी बहुत अच्छा सा फाइनली चॉप कर लेती हूँ, फिर आगे स्टेप करते हैं। चटनी के लिए 1 टीस्पून मैंने लिया है 5 टमाटरों के लिए पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ले लिया मैंने, 1 टीस्पून सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने इस तरीके से कट कर ली हैं, कुछ भी इसमें पिस के नहीं जाएगा, अदरक लहसुन इस तरीके से कट होके जाएगा, अदरक जूलियन कट इस तरह कटेगी और लहसुन इस तरीके से 4 से 5 क्लोव मैंने ले लिए हैं, ये इस तरीके से बारीक बारीक कट होके जाएगा, ये इस तरीके से कट होके जाएगा। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल, 5 से 6 मैंने टेबल किया, थोड़ा सा गर्म हुआ प्याज हमने जो कट की है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। प्याज को बहुत ज्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। अब प्याज को हमने करना है लाइट गोल्डन ब्राउन, मैंने आपको बताया है बहुत ज्यादा, बस पिंक पिंक रखना है, बहुत ज्यादा इसका कलर जो है डार्क नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें टमाटर हमने कट किया है, मैंने टमाटर ऐड कर दिए इसमें, थोड़ा सा 1 मिनट टमाटर को भूनेंगे, इसके साथ में सारे स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अब टमाटर को मैंने थोड़ा सा भुना 1 मिनट, अब ये मैंने आपको स्पाइसेस दिखाए थे कि पीस के कुछ नहीं जाएगा, अदरक लहसुन इस तरीके से कट के जाएगा, हरी मिर्च भी और पिसी मिर्चें हल्दी और नमक आता हमारा, तो हम ये सब चीजें ऐड कर देंगे इसके अंदर, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर इसमें पिसा हुआ ऐड किया हमने कुछ भी अदरक लहसुन वगैरह तो वो इतना मजे का नहीं बनेगा। अब ये इसी तरह बनेगा कि ये थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाए, और देखिए टमाटर और मसाले हमारे अच्छी तरीके से भून रहे हैं, अभी तक हमने मीडियम रखा हुआ है फ्लेम, इसको लो नहीं रखा। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी थोड़ा सा हरा धनिया, मैंने वॉश करके कट किया है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे, इसका भी बड़ा अच्छा सा फ्लेवर इसमें आने वाला है, ऊपर से भी गार्निश करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब लो फ्लेम बिल्कुल रेडी हो गई है, हम इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं और रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं।